नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंदर की बात में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर सकते हैं। इसमें दर्जन भर नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। कैबिनेट में कम भागीदारी रखने वाले राज्यों को ज्यादा अहमियत मिल सकती है। पांच महीने बाद मोदी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि नए चेहरों में कौन कौन शामिल हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को लेकर है, जिन्हें नया रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब तक वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार से गिरिराज सिंह या अश्विनी कुमार चौबे में से किसी एक को जगह मिल सकती है। झारखंड से जयंत सिन्हा को मंत्री बनाया जा सकता है। जयंत पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। महाराष्ट्र से हंसराज अहिर को मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा शिवसेना के कोटे से सुरेश प्रभु को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र सिंह मस्त को मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली से उदित राज को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बीच गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की तो अटकलें तेज हो गई, लेकिन पर्रिकर ने पते की बात तो पर्दे में ही रहने दिया। प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात पहले तय हुई थी गोवा के मामले में, तो उस समय अगर कुछ आ गया तो आपको बोल देता हूँ। इसके बाद पर्रिकर प्रधानमंत्री से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 नवंबर को वाराणसी में रहेंगे। यहां से लौटने के बाद पीएम अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। यतेंद्र और संजय शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मोदी अपनी कैबिनेट को चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं। उनका ध्यान जातीय समीकरणों को और मजबूत करने का है और सबको भागीदारी देने पर है। साथ ही पीएम रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को देना चाहते हैं जो बेदाग हो, इसलिए पर्रिकर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है।